हेलो गाइस, आप में से कितने लोगों का फिश एंगलिंग का शौक है? फिश एंगलिंग वो होता है जो रॉड से हम लोग फिश पकड़ते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि समंदर में कभी कभी नेट जियो वाइल्ड में या आपका डिस्कवरी चैनल में तो समंदर में बोट ले जाते हैं, वहां से आपका शार्क वगैरह या आपका बहुत सारा मछली वो रॉड से टूना वगैरह पकड़ते हैं। तो आज मैं उस टाइप के फिश के बारे में आपको बताऊंगा। आपने देखा ही होगा कभी कभी एक शॉट की तरह सबसे चमकीला सबसे सिल्वर कलर का फिश आपका ऐसे पूरा जम मार के पानी से निकलता है। तो आपको इच्छा कभी कभी होता है कि ऐसा एक मछली अगर अपने एक्वेरियम में हम रख सके तो बहुत अच्छा होगा, पर वो मुमकिन नहीं है। आप गेस कर सकते हैं कौन सा फिश है सिल्वर कलर का शॉट की तरह दिखने वाला। तो गाइस चलिए अगले वीडियो में देखते हैं हम कि वो क्या है। तो सबने गेस कर लिया होगा अब कि वो कौन सा मछली है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, वो है टार्पन। आप पिक्चर देख सकते हैं, मैं पिक्चर दिया हूँ। टार्पन जो होता है बहुत ग्लॉसी होता है और उस जैसा ग्लॉस सभी फिश में नहीं आता। हमारा एक्वेरियम में जो हम पालते हैं बहुत ही कम फिश होता है कि इतना ग्लॉसी होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। टार्पन जैसा ग्लॉसी एक फिश आज मैं आपके लिए लाया हूँ। वो इंडियन नेटिव फिश है, वो आपका बंगाल नेटिव फिश है। तो गाइस एक्साइटेड, पहले आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर टैप कीजिए क्योंकि मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तो गाइस ये फिश है सेल्वो फेसिया फूलो, आपका रिजर्वेली मीनो, उसको हम रिजर्वेली मीनो कहते हैं। वो बंगाल नेटिव, बंगाल में जो आपका पॉन्ड वगैरह होता है या आपका झील वगैरह होता है या आपका जो कैनल वगैरह होता है उसके आसपास ये फ्रेश वाटर फिश है पाया जाता है। तो वो पूरा टार्पन जैसा दिखता है, टार्पन जैसा ग्लॉसी होता है पर स्मॉल साइज होता है। आप आसानी से अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि वो कैसा फिश है और कैसा दिखता है, उसका ग्लॉसी कैसा है। तो आप देखिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। So guys, presenting you the Bengal native beauty Salmofacia fulo. Bengal में इसका लोकल नाम चला भी है और बहुत सारा जगह इसको एज अ फूड इसको कंज्यूम भी किया जाता है। बांग्लादेश में भी ये पॉपुलर है एज अ फूड। और एक बात आपको बता दूँ कि टार्पन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। टार्पन अलग है, बहुत बड़ा होता है, समंदर में रहता है सॉल्ट वाटर फिश, और ये आपका नॉर्मल फ्रेश वाटर फिश है। तो मैं इसलिए टार्पन के साथ इसका कंपेयर कर रहा हूँ कि टार्पन जैसा शाइनी होता है और टार्पन जैसा भी दिखता है। इसका टार्पन के साथ आप इसका पिक्चर अगर सामने रखें तो यह छोटा टार्पन जैसा ही दिखता है और ये बहुत ग्लॉसी होता है। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि टार्पन का शाइन देख के अगर आप मन में कोई खोट आ जाए कि ऐसा कुछ मैं क्यों नहीं रख सकता, तो आप उसके जगह साल्मोफेसिया फूलो आराम से ये रख सकते हैं टैंक में और ये बहुत आपको अच्छा लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इट्स अ रेयर फिश, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप ज़रूर रखें इसको। यू कैन कीप देम इन अ ग्रुप, स्कूलिंग फिश है, आप जितना बड़ा टैंक देंगे उतना ज़्यादा स्कूलिंग करेगा। मैं इसको एक 3 फीट टैंक में रखा हूँ और मेरे पास आपका 15 ये है और आप देख सकते हैं वो क्लोजअप जो इतना शाइन लेवल क्या है इसका। अगर मेरा कैमरा और अच्छा होता तो आपको उसको और अच्छा इसका शाइन लेवल दिखा सकता हूँ। ये अलग ही लेवल का एक शाइन होता है इसमें। छोटा स्पॉटलाइट देखे तो इसका शाइन टैंक अगर डार्क रहे और छोटा स्पॉटलाइट अगर लग जाए तो इसका शाइन इतना उभर के आता है कि आपको बता नहीं सकता। ये आपको घर में इसको रख के आपको देखना होगा। लो पीएच का मछली है, नॉर्मल प्लांटेड टैंक में रह जाता है। अगर मैं तो ये बंगाल नेटिव टैंक इसको रेडी कर रहा हूँ, इसमें ही रखा हूँ मैं, और ये बहुत आसानी से रहता है। ब्लड वॉर्म्स वगैरह भी खाता है, पैलेट्स वगैरह भी खाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका कि इसको खाने को लेकर के क्या इसको फीड दिया जाए। सभी खाना ओमनिवोरस टाइप का है, कुछ दिक्कत नहीं होता है इन लोगों का। सो गाइस ऑल हॉबिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये फिश अपने घर में आप रखें, ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको अलग लेवल का एक फील देगा, मैं गारंटी देता हूँ।
और बंगाल में जो सब है उस लोग है प्लीज़ इसको ट्राई करें. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही नए नए फिश के बारे में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा. और मैं मुझको और प्यार दीजिए और मेरा वीडियो देखिए ताकि मैं और एनर्जी पा सकूँ, आपको नए नए फिश के बारे में आपको बोल सकूँ. सो गाइस थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम टीचर एक्वेरियम.